गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब आज? तो बहुत तेज है भाई, बहुत तेज धूप है और टेम्परेचर हो गया इस समय 39। और मैं हूँ दिल्ली में एक जगह जहाँ थोड़ी सी हरियाली है बट मौसम थोड़ा सा बेटर है। क्या करें यार, पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है, जून शुरू हो चुका है। और गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी हो जाती है तंदूर। नॉर्मली हम लोग जब गाड़ी खड़ी करते हैं, मैक्सिमम लोगों को छाया नहीं मिलती भाई, धूप में गाड़ी खड़ी होती है हमारी। अब बैठते हैं तो तंदूर हो जाती है। क्या करें उसके लिए कि हमारी गाड़ी तंदूर ना हो, हम बैठे और गाड़ी थोड़ी सी कूल रहे नॉर्मल सिनेरियो से। तो चलो गाड़ी में चल के बाकी बात करते हैं। तो आ गए हम गाड़ी के अंदर। अभी तो गाड़ी ठीक है भाई, एसी चल रहा है। और आजकल गाड़ियों में यार, पहले तो हमारी गाड़ियों में क्या होता था, अच्छी गाड़ी लेते थे तो टिंटेड ग्लासेस आते थे, अब तो गाड़ी में टिंटेड ग्लासेस भी नहीं आते, प्लेन ग्लास देते हैं। कहीं कोई ग्लास टिंट होता ही नहीं है यार, पहले हल्के टिंट होते थे, हीट रोक लेते थे, अब नहीं देते, अब प्लेन ग्लास आते। बट एक्चुअली है क्या, क्या करें अब हम, अब उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। तो यार, जब गाड़ी आपकी धूप में खड़ी होती है ना, जब आप खड़ी करके जाते हो गाड़ी, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी चारों विंडोज को शीशा अपना एक एक इंच, आधा आधा इंच, मतलब थोड़ा सा कि आपकी उंगली ना जा पाए, इतना आप खोल दो। उसको खोलने से क्या होता है यार, थोड़ी सी ना एयर सर्कुलेशन बनी रहती है अंदर की, और उससे क्या होगा, अंदर की हवा बाहर, बाहर के अंदर होती रहेगी ना सर्कुलेशन की वजह से, तो अंदर हीट नहीं जनरेट होगी उस हिसाब का। वो जो अंदर जो गैस हो जाती है ना, एकदम ऐसा लगता है गैस ही बन गई है, वो नहीं होगी भाई, वो निकलती रहेगी यहाँ से। और अगर किसी वजह से आप चारों नहीं खोल पाते, सिक्योरिटी रीज़न है या गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है कि नहीं खोल सकते, तो कोशिश करो आप फ्रंट की दो विंडोज़ को खोल लो, क्योंकि फ्रंट की विंडोज़ का ना यार जो कवरेज एरिया है ना, वो ज़्यादा होता है, पीछे तो स्ट्रेट होता है, ये खोलोगे तो आगे से लेके यहाँ तक पूरी खुलती है। उसमें क्या है, कंपैरेटिवली उतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ उससे बेटर इफेक्ट करेगा कि भाई आप पीछे की दो खोलो, उससे अच्छा आगे की चार खोलो लो, तो गाड़ी में फ़र्क पड़ेगा। और अगर किसी वजह से आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई मैं तो खिड़की खोल ही नहीं सकता, मैं ऐसी जगह पर हूँ, मैं गाड़ी को बिल्कुल भी इतनी सी भी नहीं खोल सकता खिड़की, तो उस सिचुएशन में क्या करो यार, जो हमारा बाहर की हवा अंदर आने वाला होता है ना, ये वाला, इसको ऐसे कर दो यार कि बाहर की हवा अंदर आए। अभी तो मेरी अंदर की हवा अंदर आ रही है, रोटेट हो रही है, इसको ऐसे करके कि ये बाहर की हवा अंदर आए, आगे का जो इसका जो पैनल है, अंदर का, अंदर की जगह वो होता है, फ्लैप होता है, वो खुल जाता है इससे, और बाहर की हवा अंदर आती है, अंदर की बाहर जाती है, रोटेट होती रहती है, गाड़ी बंद रहेगी तो भी वो एरिया खुला रहेगा आपका, उसको वैसे कर दो यार। उससे क्या होगा कि उस लेवल तक तो नहीं, बट हाँ कुछ तो आपकी एयर रोटेट होगी। और इसमें अगर आप नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, कई बार मैंने, मेरी खुद की गाड़ी में हुआ यार ये, बहुत साल पहले मेरी गाड़ी, मेरे को ये समझ नहीं थी, तो मैं गाड़ी की ना अपना बंद रखता था विंडोज सारी, ये भी मेरा ऑफ था, और दिल्ली में आपको पता है यार कितनी गर्मी होती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया अंदर एयर का कि मेरी विंडो का ग्लास टूट गया था। बताओ, उससे बचने के लिए आप ये काम करो, आपकी गाड़ी बहुत ठंडी रहेगी, आपको फील होगा कि गाड़ी मेरी ठंडी है। और शेड लगा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है यार, अगर शेड लगा दो चारों में खड़ी गाड़ी पे, तो भी धूप कम आएगी अंदर, हीट कम आएगी। और अब बात करते हैं मेन चीज की, मेन चीज इसके अलावा और क्या कर सकते हो जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और आपको इश्यू भी नहीं आएगा उसमें कोई। अभी है क्या यार, आगे हमारा जो विंडस्क्रीन होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा शीशा होता है गाड़ी का विंडस्क्रीन, और डैशबोर्ड जो होता है वो सबसे बड़ा प्लास्टिक का पार्ट होता है। होता क्या है, धूप में जब गाड़ी खड़ी होती है ना, सारी धूप हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, और डैशबोर्ड हो जाता है भाई तवे जैसा गर्म, एकदम गर्म, आप हाथ नहीं लगा सकते स्टेयरिंग को, डैशबोर्ड को। अगर गाड़ी आपकी एक डेढ़ घंटा भी धूप में खड़ी है ना 40 डिग्री में, तो भभक रही होती है भाई गाड़ी अंदर से। उसके लिए क्या करो, ये आगे विंडशील्ड का शेड आता है एक, बहुत नॉमिनल सा है, इसको क्या करो आप, इसको, इसमें वैक्यूम्स भी आते हैं, इसको आप ऐसे करके ना यार सामने लगा सकते हो। मेरे तो खैर बहुत चीज़ें लगी हुई हैं, ऐसे ढंग से लग नहीं रहा, बट आप सामने ऐसे लगा सकते हो, इससे पूरा शीशा आप देखोगे कवर हो जाता है और अंदर छाया हो जाती है, बिल्कुल डैशबोर्ड पूरा कवर हो जाता है इससे। इससे क्या होगा, आपकी जो हीट है वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट क्यों करेगी भाई, क्योंकि ये है सिल्वर कलर का। और कोशिश करना, कोशिश क्या करना, मतलब आपको ब्लैक नहीं लेना यार ये आगे के लिए, ये सिल्वर ही लेना है, क्योंकि ब्लैक जो होता है ना वो हीट एब्जॉर्व करता है, सिल्वर जो होता है ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हीट एब्जॉर्व नहीं करेगा, ये गर्म नहीं होगा, ये बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा हीट को वापस, तो आपका डैशबोर्ड, स्टेयरिंग सब, गाड़ी पूरी ठंडी रहेगी। और जिसके यार फैब्रिक सीट्स नहीं है ना, उसको तो और ज़रा दुख होता है, गर्म हो जाती है सीट एकदम, लेदर लाइट जो आता है वो गर्म कर देता है सीट को एकदम। तो ये आप कर सकते हो, शेड्स आप लगा सकते हो, और अगर खोल लोगे गाड़ी का शीशा इतना इतना, तो सोने पे सुहागा है, एकदम बढ़िया हो जाएगी गाड़ी अंदर से, एकदम आपको फील होगा, आप बैठोगे ना जब गाड़ी के अंदर, तो आपको फील होगा कि यार मेरी गाड़ी में ना
बहुत ठंडी है पहले से गाड़ी, तो ये आप तरीके करो। और अगर चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर देना, बाद में आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। और एंड जस्ट टू समराइज, आपको ये तीन चार काम करने हैं। पहला, गाड़ी खड़ी करते हुए विंडोज़ को इतना इतना खोल देना, नहीं खोल पाओ चारों विंडोज़ आगे के दो विंडोज़ कोशिश करो खोल दो, ये भी नहीं कर पाओ तो अपना गाड़ी का बाहर की एयर अंदर ले आना ऑफ करके इस स्विच को, ठीक है। इसके बाद क्या करना, आगे का जो विंडशील्ड है ना, चारों पे अगर शेड लगा सको बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाओ तो विंडशील्ड पे अपना ये सिल्वर वाला, ये वाला जरूर लगा देना ताकि गाड़ी आपकी ठंडी रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया यार, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट करें, बगैर बिल्कुल मत जाना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि पता लगे अगला व्लॉग कब आ रहा है। जय हिंद।